सो हे व्हाट्सएप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर एक्साइटिंग ब्लॉग राधे राधे। आज के इस ब्लॉग में हम आप सभी लोग को एक्सप्लोर कराने वाले हैं वृंदावन के टॉप 5 फेमस टेंपल, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। सो एक टेंपल का मैंने कल ही शूट कर लिया था, जो कि आप सभी लोग इस इंट्रो के बाद देखेंगे। सो फटाफट से चलते हैं मंदिरों में एंड आप सभी लोग को दिखाते हैं। ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए गाइस, आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, टॉप टेंपल्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है इस्कॉन टेंपल, जिसका डिजाइनिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। पीछे से आप सभी लोग चेकआउट करके तो काफी ज्यादा शानदार डिजाइनिंग मिल जाता है इसका। सो गाइस, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, भाई डिजाइनिंग की बात करेंगे तो अल्ट्रा प्रो मैक्स डिजाइन करी गई है यहाँ पर। एंड ये देखिए, सामने से ऐसा लग रहा है कि ब्रिज टाइप की डिजाइनिंग हो। एंड यहाँ पर भाई भी मंदिर है एंड यहाँ पे भी मंदिर है। एंड सामने आप सभी लोग देख पा रहे हैं, वो भी आप सभी लोग को यहाँ पर मंदिर दिख जाता है। एंड गाइज, यहाँ पर क्राउड की बात कर ले तो बहुत ज्यादा क्राउड है। एंड यहाँ पर अंदर भगवान जी के दर्शन होते हैं पूरा, आप सभी लोग देख सकते हो राधा एंड कृष्ण जी के यहाँ पर दर्शन होते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कितनी शानदार मूर्ति है यहाँ पर राधा एंड कृष्ण जी की। एंड इधर आएंगे तो काफी ज्यादा लोगों की मूर्ति मिल जाती है यहाँ पर, देख सकते हो भाई यहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति है। एंड इधर आएंगे तो यहाँ पर जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है उनकी भी यहाँ पर मूर्ति दिख जाती है, जो कि 3D में बनाई गई है। एंड यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा बुक्स मिल रही है, जो कि रामायण बुक्स भी है, गीता बुक्स भी है। एंड यहाँ पर इंग्लिश की भी मिल जाती है, हिंदी की भी मिल जाती है। एंड देखिए, यहाँ पर भगवद गीता भी है, कृष्ण लीला भी है, काफी ज्यादा है। भैया यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को लेनी है तो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप सभी लोग इस्कॉन टेम्पल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर क्राउड तो बहुत ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को मेरी वॉइस है वो भी लाउडली नहीं आ पा रही होगी। एंड यहाँ पर दूसरी कंट्री के लोग भी मिल जाते हैं। सो गाइस, इस्कॉन टेम्पल के अंदर क्राउड की बात कर ले तो काफी ज्यादा क्राउड है। अंदर शूट करना भी मैं मना है, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर शूट किया हुआ है। एंड भाई क्राउड की बात कर ले तो भाई यहाँ पर क्राउड तो बंद नहीं हो रहा है, तभी मैं साइड में आके मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एंड भाई सुमित भाई, कितना क्राउड है अंदर? बहुत ज्यादा ही क्राउड है। तो फटाफट से अभी चलते हैं नेक्स्ट मंदिर के अंदर, जो कि यहाँ का पॉपुलर मंदिर होने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो ये है बांके बिहारी मार्ग। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ के सबसे फेमस टेंपल बांके बिहारी टेंपल के अंदर। एंड यहाँ पर भाई क्राउड की बात कर ले तो बहुत ज्यादा क्राउड है। अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं आप सभी लोगों को शो नहीं कर पाऊंगा। एंड मंदिर के आउटसाइड में मैं आप सभी लोगों को शूट करके दिखा दूंगा। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर प्रसाद देने के लिए। सो गाइस, देख सकते हो अंदर से यहाँ पर बांके बिहारी टेंपल कुछ ऐसा दिख जाता है। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोगों के दर्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद भी चढ़ा दिया है। एंड भाई अंदर भीड़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड है अंदर, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने शो नहीं कर पाया। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत क्लिप तो शूट किया हुआ है, वो मैं आप सभी लोगों को दिखा दूंगा। सो अगर आप सभी लोग वृंदावन के अंदर आते हैं तो बांके बिहारी टेम्पल जरूर आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध टेम्पल है, यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल है। सो फटाफट से चलते हैं अभी थर्ड टेम्पल की ओर, यहाँ से थोड़ी दूर पे है, तो फटाफट से ब्लॉग को कंटिन्यू करते रहिए। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं राधा वल्लभ टेम्पल में। एंड यहाँ पर गाइस फोटोग्राफी अलाउड है, काफ़ी ज़्यादा लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। एंड यहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा है फोटोग्राफी का, तो यहाँ पर हम आप सभी लोगों को राधा वल्लभ जी के दर्शन कराते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो तुलसी के पेड़ से यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है। एंड जो हमारे बांके बिहारी हैं उनके सामने ही इनका मतलब मंदिर मिल जाता है, देख सकते हो। यहाँ से अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं अभी ऊपर जाऊँगा तब आप सभी लोगों को शो करूँगा। सो गाइस, अभी आप सभी लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पर राधा वल्लभ टेम्पल के अंदर आ चुके हैं। एंड पूरा देख सकते हो भाई राधा वल्लभ जी का यहाँ पर पूरी मतलब मूर्ति मिल जाती है। तो फाइनली गई, सभी हम लोगों के राधा वल्लभ जी के दर्शन हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे निधि वन में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़े आने वाले हैं, क्योंकि अभी डे में ही आप सभी लोग एक्सप्लोर करने आइएगा। जब भी आइएगा तो डे में आइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, नाइट के टाइम में आप सभी लोग अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं निधि वन, जो कि यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है, तो फटाफट से चलते हैं निधि वन में। सो जैसे ही आप सभी लोग बांके बिहारी मंदिर के बाहर आते हैं तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा आउटसाइड फूड भी मिल जाता है, जहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो इनकी शॉप्स हैं। एंड यहाँ पर एक शॉप नहीं है, बहुत सारी शॉप हैं। सो गाइस, अभी हम लोगों की आ चुकी है लस्सी, यहाँ पर देख सकते हो इसको यहाँ पर तैयार करा है भैया ने, यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस लस्सी है। थैंक यू सो मच शेषपाल भाई।
सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं निधि वन के अंदर। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं निधि वन में, जो कि वृंदावन का सबसे फेमस यहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर कृष्ण जी रोज रात में आते हैं एंड यहाँ पर रास भी मनाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग पीछे चेक करेंगे, पूरा जाल लगा हुआ है एंड यहाँ पर बंदर वगैरह भाई फोन बहुत ज्यादा ले जाते हैं एंड साथ में हमारे शेषपाल भाई है। शेषपाल भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? सो गाइस यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा यहाँ पर देखिए जाल बना हुआ है जिससे कि बंदर वगैरह ना आ सके। और गाइस यहाँ पर आप सभी लोग को बैक कैमरे से मैं दिखा देता हूँ। सो अभी आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर पूरा जाल लगाया गया है बंदर से यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए। एंड यहाँ पर बाहर देखेंगे तो बाहर में आप सभी लोगों को काफी ज्यादा पेड़ एक दूसरे के अंदर ज्वाइंट मिल जाते हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि रोज रात में कृष्ण जी आते हैं अपनी रास मनाने के लिए। सो सामने देख सकते हो इन पेड़ों को गोपियां भी बोला जाता है। एंड गाइस इस मंदिर में रात में रुकना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि गाइस रात में जो रुकता है वो यहाँ पर गाइस मतलब उसके साथ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पर रुकने का भी ट्राई करा है, हमारे गौरव जोन यूट्यूबर ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जो कि रात में यहाँ पर आए थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि आप सभी लोगों को पता ही है ज़्यादातर वृंदावन के लोगों ने देखा है। एंड यहाँ पर भाई एक रंग मंदिर है जहाँ पर कृष्ण जी आते हैं एंड यहाँ पर भोग लगाते हैं, वहाँ पर नाइट में भोग रखा जाता है एंड मॉर्निंग में यहाँ पर भोग खाया हुआ मिलता है। तो यहाँ पर पूरा आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूँ। एंड गाइस इस प्लेस को देख सकते हो, मैंने जो आप सभी लोगों को दो टेम्पल दिखाए थे राधा वल्लभ एंड बांके बिहारी जी का, उनकी मूर्ति यहीं से मिली थी। सो फाइनली गई सभी हम लोगों ने रंग मंदिर के दर्शन कर लिए एंड भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था एंड वहाँ पर कुछ मतलब वूफर टाइप के बज रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ पर ब्लॉगिंग नहीं करी, मैंने शॉर्ट क्लिप डाल दी आप सभी लोगों के लिए। इसी मंदिर के अंदर रोज़ आते हैं भगवान श्री कृष्ण अपना रास रचाते हैं एंड गई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग खेल भी रहे हैं, मतलब एकदम फन भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रंग जी मंदिर, बाहर से कुछ ऐसा दिख जाता है रंग जी मंदिर, और ये पूरा मंदिर साउथ इंडियन मंदिर होते हैं जैसे उस टाइप का है। सो जैसे गाइस आप सभी लोग अंदर एंटर करते हो तो ऊपर देखिए सोने के यहाँ पर भाई कलश वगैरह रखे हुए हैं। सो गाइस इधर देखेंगे तो मंदिर का एंट्री गेट मिल जाता है, अभी मंदिर क्लोज है बिकॉज अभी भोग वगैरह लग रहा है। एंड इधर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा काम ऊपर दिखाई दे जाता है एंड नीचे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग अभी वेट कर रहे हैं मंदिर के अंदर ही। सो फाइनली गाइस अभी मंदिर ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा लोग, मतलब यार क्या ही बोले, देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा लोग हैं अभी, ये सब लोग जाने वाले हैं अंदर, बहुत ज़्यादा यार क्राउड हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो फाइनली गाइस सभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर एंड यहाँ पर पीछे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर ये वाला देख सकते हो खम्बा टाइप का है, वो यहाँ पर प्योर गोल्ड का है। सो यहाँ पर गाइस आप सभी लोग देख सकते हो, मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल गोल्ड का मिल जाता है प्योर का। एंड यहाँ पर ये रहा सीस महल, सीस महल के अंदर पूरा कांच का मतलब बनाया गया है पूरा। सो गाइस यहाँ पर डिजाइनिंग देखेंगे तो मतलब भाई भगवान जी का मतलब साउथ इंडियन डिजाइनिंग करा गया है। एंड सामने देखेंगे तो अभी तो भाई क्लियर दिख रहा है यहाँ से, एंड काफी बड़ा मंदिर है भाई, छोटा मंदिर नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर है। एंड गाइस इधर आएंगे तो आप सभी लोगों को यहाँ पर बैकुंठ द्वार भी दिख जाता है, जो कि साल में एक बार ही खुलता है यहाँ पर। एंड इसका टाइमिंग भी देख सकते हो, यहाँ पर अभी 2023 में खुलने वाला है, 2022 में ऑलरेडी खुल चुका है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो बैकुंठ द्वार मिल जाता है पूरा। सो फाइनली गाइस अभी मैंने पांचों मंदिर को आप सभी लोगों को एक्सप्लोर कर दिया है वीडियो के अंदर एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है भाई वीडियोस बनाने में, शेषपाल भाई से पूछ सकते हो मतलब एकदम गर्मी के अंदर। गाइस यहाँ पर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यहाँ तो पर आप सभी लोग वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। अभी हम लोग मथुरा जाएंगे तो मथुरा का भी ब्लॉग आप सभी लोग के लिए लेके आएंगे। सो वीडियो बढ़िया लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।